जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर बिस्टान वन रेंज के पीपलझोपा वन ग्राम में मंगलवार शाम मादा तेंदुआ मृत अवस्था में मिली है। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तेंदुए के शरीर के कई अंग कटे होने से तांत्रिक क्रिया का भी अंदेशा जताया जा रहा है। वन मंडलाधिकारी प्रशांत कुमार सिंह ने बताया, कुंदा नदी में पानी के बीच तेंदुए का शव बरामद हुआ है, जिसके पंजे, मूंछ के बाल और पूंछ कटी होने से शिकार की आशंका लग रही है। यह भी कहा जा रहा है कि तेंदुए को जहर देकर मारा गया, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। मौत के कारणों का पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। जानकारी के अनुसार बिस्टान वनरेज के अंतर्गत पहाड़ी नदी कुंदा किनारे सिरवेल रोड पर ब्रिज के नीचे मादा तेंदुआ मृत अवस्था में मिली, जिसकी सूचना वन अमले को शाम 4 बजे मिली। इस क्षेत्र में शिकारी घुसपैठ कर वन्य जीवों को निशाना बना रहे हैं। पूर्व में शिकार के चलते तेंदुए की मौत का मामला सामने आया था। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। अवस्था मिला था, उसके पंजे, पूछ और उसके जो है नाखून और ये सब कटे हुए मिले थे। इस प्रकार से घटना हुई, क्या जांच चल रही है? इसका कल शाम को हम लोग को सूचना मिला था, कुंडा नदी में किसी ग्रामीण ने देखा था। उसके बताए अनुसार टीम वहाँ पहुँची थी फॉरेस्ट की, तो जो तेंदुआ था हमारा उसके चारों पंजे नहीं थे। तो प्रथम दृष्टिया देख के तो लगता है कि उसका शिकार हुआ था, और उसका पीएम आज सुबह हो गया है, और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट कारण पता चलेगा किस कारण से मरा था तेंदुआ, कैसे मारा गया था। चारों पंजे कटे हुए हैं और पूंछ 1/4 एक चौथाई करीब कटा हुआ है। अब जरूर वो पंजे लिए हैं तो मतलब कुछ अंधविश्वास का मामला ही होगा लोकल यहाँ, अब वो जांच के बाद ही पता चलेगा। सर, क्या लगता है जिस तरीके से वन्य प्राणी धीरे धीरे लुप्त तो होते जा रहे हैं, ऐसे में ऐसी घटना, तो इसके लिए कुछ भविष्य में कुछ बंदोबस्त करेगा हमला? नहीं, हम लोग तो लगे ही रहते हैं कि इस तरह की घटना ना हो, पूरे प्रयास रहते हैं, पर कभी कभी इस तरह के हो जाते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसका हम लोग पूरा जाँच करेंगे पूरी तत्परता से और अपराधियों का पता करेंगे। सर, प्रारंभिक तौर पर सर क्या लग रहा था, नदी में जिस प्रकार से बह के आया, तो क्या लग रहा था ये कहाँ से आया? देखिए, इस कुंडा नदी सिरवेल तरफ से आ रही है, तो उसी तरफ से आया होगा, वो जांच के बाद ही पता चलेगा। नदी तो काफ़ी लंबी है। ठीक, क्या नाम है? प्रशांत कुमार जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।